सो हेलो गाइस, वेलकम टू पीके ऑटो ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे आप लोग देख ही पा रहे हो, गाड़ी का एसी का सर्विस कराने वाला हूं मैं। 1,00,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है मेरा गाड़ी और एसी का सर्विस फुल सर्विस कराना है। पूरा कैबिनेट पूरा ओपन करेंगे अभी, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या कराना पड़ता है। रेडिएटर से लेके आपका एसी का एक एयर होता है, एयर फिल्टर होता है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो सब दिखाऊंगा आपको वीडियो में, पूरा देखिएगा और कितना लगा है ये भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो सही से देखिए और पूरा कैबिनेट खोल देता है। 1,00,000 किलोमीटर चल गया और गाड़ी का सर्विस भी मुझे कराना है। तो सर्विस में कितना खर्चा होगा, बाहर से कराऊंगा, कंपनी से कभी नहीं कराऊंगा, कंपनी वाले होते हैं फ्रॉड। तो वीडियो आगे देखिए आप लोग, आपको पता चलेगा। देखो गाइज, यहाँ पे फिल्टर होता है ना, फिल्टर नहीं है। मारुति का ये 2:2 मॉडल है, मारुति में ही आज तक सर्विस हुआ था। और ये चोरी देखो, मारुति वालों का चोरी करना है, मारुति वालों से सीखो, मारुति वालों के सर्विस सेंटर से सीखो, उसके लोगों से सीखो। सो अभी पूरा गाड़ी का मेरा एसी का सर्विस हो रहा है। अभी पूरा डैशबोर्ड खोलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो गाइज फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो गाइस ये है एसी सेक्शन और इसको ये भाई करेगा इलाज। ज़्यादा कुछ नहीं, ठंडा नहीं हो रहा था एसी, मतलब हल्का फुल्का ठंडा हो रहा था और शाम को ठंडा हो रहा था, लेकिन दिन में तो हालत ख़राब था। सो देखिए गाइस, ये क्या काम कराया है मारुति ने, कुछ 15-20 हज़ार किलोमीटर पहले ही काम कराया था। ऐसा हालत है एसी का। इस एसी का क्या है, कूलिंग कॉइल। चलो ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए गाड़ी बाहर से ऐसा है, अभी रेडिएटर कंडेंसर दोनों वॉश होगा। ये भी गाड़ी का इंजन साफ है, साफ किए थे कुछ दिन पहले, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। ये नया बैटरी लगाया था कल, थोड़ा सा इसका कल नहीं तो परसों करवाऊंगा सर्विस। मोबाइल फिल्टर ये सब चेंज करूंगा, एयर फिल्टर भी चेंज करूंगा। आपको मिलते हैं आगे, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। কি করব কি বলবো আমি, এখানে ফিল্টার আর উপরে কভার থাকে ওইটাও গায়েব। ওয়াও, আবার এটা ঢালাই করা আছে, এখানে ঢালাই করা থাকে স্টিয়ারিং এ, এটা লোহাটা। এই জং জং কি করে লেগে গেল, দেখ কি করে বুঝবে, দেখে যাচ্ছে
अगर की होले बुझबे बेटा डाउन है माने लीकेज होले खुले दीजिए देख बेटा 350 दिए कैसेटा बंद था जो लीकेज होले मीटर डाउन है प्रेशर बंद कर दे ले 300 पंचर चेक कर पंचर ही काज धरन पंचर तो पंचर से ठीक हो गया एसी है वेट वेट फाइनली हम 10 मिनट बाद देखे हैं 300 का 300 ये लीक नहीं है तो मतलब ये मीटर आपको चेक बता देगा कि लीक है जो है कि नहीं कहीं भी अगर सर्विस कराने जाओगे तो देख लेना ये चेक करेगा वो लोग लीकेज रहेगा तो ही करेगा चेंज नहीं तो नहीं करेगा ये प्रूफ है 300 पे वो दिया था प्रेशर और 300 पर ही है चलिए फिटिंग हो गया है मेरा कैबिन फिट हो चुका है और कैबिन फिट हो चुका है और अब आपको आगे फिनिशिंग काम दिखाते हैं गैस डालेगा सो गाइस मेरा सब काम हो गया है गैस देखो सर 400 देना होगा भाई को दोनों इसमें मीटर में नहीं मालूम चलेगा मीटर में माफ के नहीं जाएगा अच्छा गैलन में हो ये रहेगा 450 ये इसमें सर 400 पूरा नया लेके आए क्या देख लो ये सर 400 ये जाएगा गैस ये आपका फ्लोरन का है SRF कंपनी ओजोन फ्रेंडली गैस दे रहे भैया ये यहाँ पे शॉप है आपका AG मार्केट शॉप नंबर 8 बैसाखी सॉल्ट लेक सिटी देख रहे $150 है